आज हम आपको बताने जा रहे हैं कॉर्न और पालक की सब्जी। हम आपको बताएंगे किस स्टेप से आप एक शानदार मजेदार हेल्थी और टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल में कॉर्न और पालक की सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब सर्दी होती है, बरसात का मौसम है, इस टाइम पे कॉर्न भी आसानी से मिल जाएंगे। जो मक्के के दाने होते हैं उसे हम कॉर्न बोलते हैं। इसके अलावा पालक भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी होगी, आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसके ट्रिक एंड ट्रिक्स में बताऊंगा कि किस स्टेप से आप इसको पालक को हरे को एकदम हरा कलर रख सकते हैं, वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्न और पालक की रेसिपी। कॉर्न पालक की सब्जी है तो पालक तो इसमें जरूरी है। पालक मैंने धो लिया है, 7 से 8 बार मैंने धो करके इसके सारी डस्ट निकाल ली है। आप इसके पीछे के डंठल काट दें और बाकी पालक की ये बड़ी बड़ी पत्तियां रह जाएंगी, वही रहना है। इंपॉर्टेंट ये है कि पालक का जो कलर है नेचुरल कलर वो कैसे बरकरार रहे। हम इसको बॉयल करेंगे तो इसमें नेचुरल कलर कैसे बरकरार रहे वो मैं आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा। सबसे पहले ये पालक मैंने काट लिया है, अब हम इसको किसी बर्तन में लेकर के उबालेंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्न लिया है, इसको मैंने उबाल लिया है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च लिए जिन्हों को हमने छोटे बारीक काट लिया है, ये 4 लौंग ली है, ये मैंने प्याज लहसुन का मसाला लिया है जिसको हमने पाउडर फॉर्म में बना लिया है, थोड़ा सा राई ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है, हल्दी ली है आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, इसके अतिरिक्त काली मिर्ची है ये 4 छोटा चम्मच, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर है और इसमें खटाई के लिए अमचूर लिया है, आप चाहे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। हम एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लेंगे और जो हमारा पालक था उसको हम इसमें डाल देंगे। पालक को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये गल करके तैयार हो जाएगा। आप 2 से 3 मिनट में ही इसको उबाल लेंगे, इस तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने ये बर्फ का पानी लिया है, इस तरीके से बर्फ है जिसको हमने पानी ठंडा कर लिया है, बर्फ का पानी है। जब भी आप पालक को डालेंगे तो इस गर्म पालक को यदि ठंडे पानी में आप डालेंगे तो पालक का कलर हरा ही रहेगा। हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि पर्ण हरित यदि उसमें से अवशोषित हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम पालक का कलर एज इट इज बनाए रखने के लिए इसमें बर्फ का पानी डालेंगे और पालक को इसमें डिप करेंगे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे इस तरीके से पालक की कंसिस्टेंसी हो गई। ये पालक पूरी तरीके से उबल गया है, बहुत ज़्यादा हमारे को नहीं फ्राई करना है, इसको उबालना नहीं है। इस तरीके से जब पालक हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा बर्फ का पानी था हम डायरेक्ट ही गर्म पालक को इसमें डाल देंगे इस तरीके से, ताकि इसकी नमी बरकरार रहेगी और इसका कलर एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे आप सारा पालक इसमें डाल करके और इसको ठंडा होने दें ताकि ये ज़्यादा हरा हो सके और ग्रीन का ग्रीन ही रह सके। जब ये पालक ठंडा हो जाए पूरी तरीके से तब आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। इससे पालक बिल्कुल हरा ही रहेगा और ज़्यादा अच्छा पिस पाएगा। ये पानी है, ये भी पालक का ही पानी है, इसमें पालक के बहुत सारे अश्क हैं, इसलिए हम इसको बगाएंगे नहीं। इसको आप जब ग्रेवी तैयार करें तब उसमें काम में ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। इसका कलर बेहद अच्छा आया है, ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन हो गया है ये, और इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे। हमने इसमें पानी की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पालक ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट था, अब बिना पानी के इसको पीसें। यहाँ पे अब हम फ्राई करेंगे, सब्जी बनाएंगे। एक मैंने तेल डाला है किसी कढ़ाई में, आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि पालक तेल बहुत सोखता है, इसलिए हमने 2 चम्मच तेल का उपयोग किया है। तेल गर्म हो जाएगा तो हम ये आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे राई भी डाल रहा हूँ, मस्टर्ड सीड भी बोलते हैं, 4 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड है। थोड़ा सा मैंने अदरक ली है जिसको हमने कद्दूकस करके डाला है, इस तरीके से हम अदरक डाल देंगे। 4 लौंग है जिसको हम इसमें डाल देंगे। 2 तेज पत्ता है जिसको भी मैं इसमें डाल दूंगा, डाल करके आप इस तरीके से होने दें इनको 2 मिनट के लिए। टेस्ट के लिए 2 लाल मिर्च भी हम डाल देंगे, हरी मिर्च जो हमने काटी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसके अतिरिक्त प्याज आप डाल दें, डाल करके आप इन्हों को भून लें 2 मिनट के लिए। प्याज और हरी मिर्च जब भून जाएंगे तब हम इसमें अन्य मसाले डालेंगे। इसके बाद में कॉर्न डाल देंगे, एक बड़ा कॉर्न मैंने लेकर के उसको उबाल लिया है, ये उबले हुए कॉर्न है। आप जब भी कॉर्न डालेंगे तो उबले हुए डालें, इस तरीके से स्वीट कॉर्न आप डालेंगे तो उबाल करके डालें ताकि आसानी से हो सकेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया आधा छोटा चम्मच,
ये डाल दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ले रहा हूँ, एक चम्मच है ये भी हम इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च आपको नहीं डालनी है, यहाँ पे लाल मिर्च की जगह मैं छोटा छोटा चम्मच काली मिर्च ले रहा हूँ, क्योंकि कॉर्न में लाल मिर्च से इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए लाल मिर्च नहीं डालनी है। नमक ले रहे हैं आधा छोटा चम्मच, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा ले लें। एक ये लहसुन का पाउडर है जो हमारे चैनल पे इसकी रेसिपी बताई हुई है, वो हम इसमें डाल देंगे। डाल करके आप इसको मिक्स कर लें इस तरीके से मसालों को, और 2 मिनट तक इसको पकने दें ताकि मसाले भी ढंग से पक सकें। 2 मिनट बाद सारे जब मसाले पक जाएंगे तो ये आप जो पालक है वो हम इसमें सारा का सारा डाल देंगे इस तरीके से, और डाल करके आप मिक्स कर दें। ये सब्जी 4 लोगों के लिए सफिशियंट रहेगी, इस तरीके से हम इसमें डाल करके और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रेवी डाल दी थी जो हमने पालक में से निकली थी, वो ग्रेवी डाल करके इस तरीके से तैयार हो गई है ये। अब हम इसमें से जो हमारा ये मिर्ची थी वो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मिर्ची से ज़्यादा जो तीखापन था वो आ चुका है। अब ये मिर्ची आपके काम की नहीं है, इसलिए आप इसको अलग निकाल दें। इसके अतिरिक्त आप जो तेज पत्ता था वो भी अलग निकाल दें, यहाँ पे अलग निकाल करके, और आप इसमें ये जैसे तेज पत्ता जो हमने डाला था वो भी आप एक बार अलग निकाल दें। इस तरीके से निकालने के बाद में आप इसमें ये अमचूर पाउडर है जो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, यदि आप टमाटर डाल रहे हो तो अमचूर पाउडर नहीं डालें। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको डाल करके आप इस तरीके से मिक्स कर लें। ये आपकी सब्जी बन करके तैयार हो गई। लास्ट में आप जब ये मिक्स कर दें तो 1 चम्मच इसमें देसी घी या आप बटर डाल दें, जिससे भी और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। यहाँ पर मैं 1 चम्मच देसी घी का डाल दूंगा ताकि इसमें ज्यादा अच्छा टेस्ट आ सके। देखिए देसी घी से ऊपर इसके सतह पे ज्यादा अच्छा शाइन आ गई। ये एक हेल्थी टेस्टी शानदार कॉर्न और पालक की सब्जी बनकर के तैयार हो गई, खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। ये एक हेल्थी रेसिपी आपकी तैयार हो गई। देखिए हेल्थी टेस्टी शानदार और मजेदार कॉर्न और पालक की सब्जी बनकर के तैयार हो गई। गार्निशिंग के हिसाब से थोड़ा सा मैंने इसमें क्रीम का उपयोग किया है, क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। एक हेल्थी टेस्टी शानदार और मज़ेदार रेसिपी तैयार हो गई। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सुझाव हों तो दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स।